तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बात करते हैं आज न्यू क्रेटा बेस मॉडल के बारे में और न्यू एक्स्टर बेस मॉडल के बारे में। आज हम इन दोनों गाड़ियों के बारे में आपको बताएंगे, दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इनका फ्रंट, बिल्कुल साथ में गाड़ी खड़ी करके आपको फ्रंट दिखाएंगे दोनों का फ्रंट कैसा है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेटा बेस मॉडल की। तो क्रेटा बेस मॉडल में आपको वाइट कलर में ऐसा फ्रंट देखने को मिलेगा, और एक्स्टर बेस मॉडल की बात करते हैं तो ऐसा फ्रंट देखने को मिलता है। अब बेस मॉडल एक्स्टर की बात करते हैं तो एक्स्टर बेस मॉडल जो है वो कि आपका 6 लाख रुपए का ऑन रोड आ जाता है, एक्सशोरूम 5 लाख एक्सशोरूम इसका आ जाता है, और ऑन रोड 6 लाख की ऑन रोड पड़ जाती है बेस मॉडल। अब क्रेटा बेसिक मॉडल के प्राइस की बात करते हैं तो क्रेटा का बेस मॉडल 10,99,000 रुपये का आपका एक्सशोरूम आ जाता है, ऑन रोड की बात करते हैं तो ये आपको 12-20 के आसपास ऑन रोड पड़ जाता है क्रेटा बेस मॉडल पेट्रोल। और डीजल की बात करते हैं तो डीजल में इसका रेट जो है वो आपका जाएगा 14,20,000 के आसपास आपका ऑन रोड चला जाता है क्रेटा डीजल बेस मॉडल। अब गाइज इनकी फीचर्स की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा में आपको हैलोजन लैंप्स देखने को मिलते हैं, ह्यूंडई का लोगो एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है क्रोम के साथ। और साइड से बात करते हैं, साइड प्रोफाइल से, तो इसमें आपको इसमें रिम मिलता है, इसमें आपको व्हील कवर नहीं दिए जाते हैं एक्स्ट्रा के बेस मॉडल में, और टायर जो है वो 14 इंच का दिया जाता है। अब इसकी बात करते हैं इंडिकेटर की, इंडिकेटर आपको फेंडर में दिए जाएंगे, और इसमें आपको ब्लैक कलर के मिरर दिए जाएंगे, और जो डोर हैंडल है वो भी आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं एक्स्ट्रा बेस मॉडल की। तो अब क्रेटा बेस मॉडल की बात करते हैं, क्रेटा बेस मॉडल में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे येलो कलर में, और आपको बिट DRLs भी दिए जाएंगे। इसमें DRLs भी आते हैं जो कि बहुत प्यारे हैं, न्यू क्रेटा में DRLs आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छे लगते हैं, और साइड में आपको व्हील कवर्स मिल जाते हैं। उसमें टायर जो है वो आपको 16 इंच का मिल जाएगा। और गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आपको बॉडी कलर डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं, बॉडी कलर मिरर देखने को मिल जाते हैं आपको इसमें, और आपका जो इंडिकेटर है वो आपको फेंडर पे दिया जाएगा। इसमें ब्लैक फिटिंग भी आती है साथ में क्रेटा के बेस मॉडल में, ये क्रेटा का बेस मॉडल आप देख सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं एक्स्टर के बैक इंटीरियर के बारे में, तो इसमें आपको 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं बेसिक मॉडल से ही। ह्यूंडई का सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला फीचर्स यही है कि इसमें 6 एयरबैग जो हैं आपको बेसिक मॉडल से देखने में मिल जाते हैं। और हम बात करते हैं तो इसमें आपको डिफोकस नहीं आता है बेस मॉडल में, ना आपको शार्पिन एंटीना देखने को मिलेगा, इसमें आपको रूफ एंटीना देखने में मिल जाता है। बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा का लोगो दिया जाएगा, ह्यूंडई का लोगो आता है इसमें, और लाइट्स जो हैं वो आपको ऐसे DRLs में दिए जाएंगी, LED लाइट्स इसमें टेल लैम्प जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, और नीचे सिल्वर कलर की स्किप प्लेट्स आपको मिल जाएंगी इसमें। तो गाइज अब बात करते हैं क्रेटा की, और क्रेटा की बैक प्रोफाइल की बात करते हैं। तो क्रेटा की जो बैक प्रोफाइल होगी वो आपको इस तरह से देखने में मिलेगी, इसमें आपको डिफोकस देखने को नहीं मिलेंगे, और ना ही आपको शार्पिन एंटीना, ना ही बेस मॉडल में आपको सनरूफ देखने में मिलता है। इसमें आपको जो बैक लाइट मिलेगी वो कनेक्टिंग लाइट मिलेगी, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है कनेक्टिंग लाइट। तो दोनों मॉडल्स को आपको मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ दोनों को। ये आपको SUV में मिल जाती है क्रेटा, और ये आपको मिनी SUV में मिल जाती है। और दोनों का प्राइस डिफरेंस की बात करते हो, इसका जो बेस मॉडल है एक्स्ट्रा का वो आपको 6 लाख रुपए का ऑन रोड मिल जाता है, और क्रेटा का बेस मॉडल जो आपको पेट्रोल में मिलता है वो 12.5 का ऑन रोड पड़ जाता है, जिसमें आपको इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग इंक्लूडेड सब कुछ मिल जाता है। ये मैं आपको हिमाचल के रजिस्ट्रेशन के रेट्स बता रहा हूँ, बाकी आप बाहर लेते हैं तो आपको 20-25 हज़ार का फ़र्क देखने को मिल जाता है। और बाकी गाइज इनके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो एक्स्ट्रा के ग्राउंड क्लियरेंस आपको 185 मिलेगी MM में, और क्रेटा की बात करें तो इसमें आपको 190 MM की मिल जाएगी। और साथ में आपको हैचबैक प्रीमियम नियोस की बात करें तो 1200 cc में आती है, ये भी बहुत ही अच्छी गाड़ी है, 83 PS की पावर है, प्रोजेक्ट हेडलैम्प भी DRLs के साथ आती है। और क्रेटा की बात करें तो 1500 cc का इसका इंजन रहेगा, 115 PS की पावर रहेगी इसमें, बहुत ही अच्छा पिकअप के साथ रहेगी। और एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो 1200 cc का इंजन रहता है इसमें, उसमें जो पावर रहती है वो 83 PS की रहती है, जो कि एक्स्ट्रा की और नियोस की पावर जो ना सेम है, आप देख सकते हैं ये भी 1200 cc में आती है। अभी हम देख रहे हैं इसका
टॉप एंड मॉडल खड़ा है यहाँ पे ग्रैंड आइटन का, जिसमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, क्रोम डोर हैंडल्स आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें। अब बेस मॉडल में इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको म्यूज़िक सिस्टम और स्पीकर्स नहीं दिए जाते हैं बेसिक मॉडल में, और क्रेटा में बात करें तो क्रेटा में भी आपको बेसिक मॉडल में म्यूज़िक सिस्टम और स्पीकर्स नहीं मिलेंगे, जो कि आपको आफ्टर मार्केट या कंपनी फिटेड आप लगवा सकते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको 6 एयर बैग्स देखने में मिल जाते हैं, 6 एयर बैग आपको दोनों गाड़ियों में देखने में मिल जाएंगे। बेसिक मॉडल से टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आपको बेसिक मॉडल से आ जाएगा, ABS, EBD, पावर स्टेयरिंग, AC हीटर, रियर AC वैंड, ये आपको बेसिक मॉडल क्रेटा में देखने में मिल जाते हैं। तो गाइस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।